अरे भगवान। हाँ। बाहर एक कुत्ता आ रहा है, उसका तेरे को रोटी ले आइए। रोटी तो कौन है? फिर एक काम कर। हाँ। मने तू लठे पकड़ा दे। लठका के करेगा? इस बिचारे ने के खाली जान जाएंगे। भगवान तने एक शेर सुनाऊं? सुना। जिसने जल्दबाजी में शादी करी उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। जिसने सोच समझ के करी उसने के उखाड़ लिया। रे भगवान। हाँ। यो टिल्लू कद का रोन लाग रहा, इसती अपनी मीठी मीठी आवाज में लोरी क्यों नहीं सुना देंदी? मैं तो इसने अपनी मीठी मीठी आवाज में लोरी सुनाऊं थी। फिर क्यों होया? पड़ोसी न्यू बोले, भाभी इस ते बढ़िया तो टिल्लू ने रोन दे। क्यों जी, कल करवा चौथ की पूजा के बाद जब मैं तेरे पैर छू रही थी उस टाइम तू बहुत अकड़ रहा था, के बात इतनी मत आ गई तेरे में? अरे नहीं भगवान, तेरा गलत फहमी होगी। गलत फहमी नहीं, मेरा दोरा पक्का सबूत से, यो देख तू अकड़ रहा था। गलती होगी, गलती गलती की तो सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। ईव देख मेरा जादू। हे भगवान, ये औरत ना तो जीण देंदी और करवा चौथ का व्रत राख के ना मरण देंदी। भगवान, ब्याह ते पहला तू बहुत व्रत राख्या कर दी। हाँ, मैं बहुत व्रत राख्या करती। ईब के हो गया तेरे गल्ले ब्याह हो गया, ईब मेरा व्रत पता भरोसा उठ गया। पंडित जी ने मंडप में बिल्कुल सही कहा था। की कहा था पंडित जी ने? जब मैंने पंडित जी से पूछा कि पत्नी को दाई ओर बिठाऊं कि बाई ओर, और तो पंडित जी ने कहा था, देख ले बेटा कितने बैठा ले, बाद में तो सरपाए बैठेगी। भगवान, तू कुछ दिन तक बेचैन सी लग गए से, किसे डॉक्टर ने क्यों नहीं दिखा लेंदी? डॉक्टर ने दिखा के तो आई थी। फिर डॉक्टर ने के कमी बताई? जी पैसे की कमी। एक बात बता, तू शादी ते पहले के करया करदा? रोवे क्या तैसे? शादी ते पहले मैं वो करया करता जो मेरा मन करे था। अरीब? इब वो गुरुजु जो तेरा मन करे से। सुनो जी, मेरी जीभ में छाले हो गए। ये तो ओने थे, कदे इस जीभ ने आराम भी कर लेन दिया करे। हैं? तन्ने बेरा से, मन्ने तेरे ते शादी क्यों करी थी? मन्ने तो बेरा ना, बतावे ने क्यों करी थी? ताकि मैं जान सकूं के तू कितना बड़ा मूर्ख से। तो इसके लिए तने शादी करने की के जरूरत थी यार? यो तो तने जब बस समझ जाना चाहिए था जब मैंने तेरे ते शादी करने की इच्छा जाहिर करी थी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख सू। मतलब मैं समझी कौन? क्योंकि तने कोई मूर्ख पसंद कर सके था। काल तने गणी दारू पी रखी थी के? ना तो, गणी तो कौन पी रहा था। फिर तू ठूठी चला के न्यू क्यों कहन लाग रहा था कि रोवे मत ना सब ठीक हो जाएगा। आपने बेरा से, मैं बहुत टैलेंटेड सू। क्यों करे? मैं किससे भी विषय पे घंटे भर बोल सकती हूँ। तू तो बिना विषय के भी कई घंटे तक बिना आराम करे बोल सके से। हैं? डार्लिंग, मैं इस साड़ी में किसी लागू सू? मेरी जान, अप्सरा लागे से। आपने बेरा से, मेरी यह साड़ी हजारा में एक से एक। डार्लिंग,
तन्ने या साड़ी मेरे ते खुश करन खातर पहरी से ना ना मेरे जानू मने तो या साड़ी पड़ोसन ते जलान खातर पहरी से हाँ अरे भगवान तू सब्जी बनानी भूल गई के क्यों के होया तू कितनी गंदी सब्जी बना रखी छे चुपचाप खा ले मेरी यह सब्जी फेसबुक पर 390 लोगा ने लाइक करी से और 107 लोगा ने इस ताई शेयर करया से 129 लोगा ने कमेंट करया से वाओ यम्मी बस तन्ने मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आंदा और के तेरे खतर गोबर बनाऊं मैं तने बर्थडे पर के गिफ्ट दियूं गिफ्ट तो छोड़ बस थोड़ी सी इज्जत ते बात कर लिया कर ना मैं ते गिफ्ट दूंगी हाँ? सुनो जी सुनाओ जी मैं आपने एक चुटकुला सुनाऊं सुना डार्लिंग एक ब एक मुसी पेड़ पर चढ़गी और पेड़ पे एक बंदर बैठा था वो मुसी तो बोलिया तू ऊपर क्यों आई से तो मुसी बोली सेब खान हुँ? फिर बंदर बोलिया यो तो आम का पेड़ से फिर मुसी बोली तू गणा चौधरी ना पक्के सेब मैं अपनी गेल ले रही सू अजी सुनो सोके के? जिस पंडित जी ने मारा ब्याह करवाया था वो मर गया हाँ उसने तो मरना ही था मने बेरा था एक ना एक दिन तो उसने अपने कर्मा का फल तो मिलना ही था